choke you down just like a pill. Hello guys and welcome back to Comic Book Universe. सब्सक्राइब करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हमें उस शहर में मची तबाही दिखाई देती है। कुछ लोग ट्रोल से डर कर छुपे हुए हैं। एक आदमी कहता है बस कुछ ही दूर और जाना है और उसके बाद हम बंदरगाह पे पहुंच जाएंगे। दूसरा आदमी पूछता है हमें कैसे पता कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो एक बोट हमारा वेट कर रही होगी। तीसरा आदमी कहता है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास और क्या ही रास्ता है, या तो हम अपना चांस ले सकते हैं और यहाँ रुके रहकर ट्रोल्स के हाथों मारे जा सकते हैं। तब एक ट्रोल वहाँ आता है और कहता है मैं तुम्हें मारे जाने का ऑप्शन देता हूँ और मैं ये भी सोच रहा था कि हमें थोड़ा खाने को मिल जाएगा। तभी डेडपूल और टीम वहाँ आती है और कहती है आज खाने की हड़ताल है। तुम लोग इतने चौंक क्यों रहे हो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि सिर्फ तुम ही लोगों को चौंका सकते हो। मेरा मतलब कि हम एंट्री मारने के लिए कितनी बार इसी ट्रक का यूज़ करेंगे, और उसका आंसर है बहुत बार, लेकिन ये कितना घटिया ट्रक है। डरो मत ऑस्ट्रेलिया के लोगों, ट्रोल्स को मारने वाले यहाँ आ चुके हैं। नैन्सी कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगी कि ये ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं है। डेडपूल कहता है कम ऑन, मैं काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बचा चुका हूँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ। जेनी कहता है तुम इस तरह किसी दूसरे देश के नहीं बन सकते। डेडपूल कहता है शट अप जेनी, मैं तुम्हारी बकवास से तंग आ चुका हूँ। हेलो दोस्तों, मैं डेडपूल हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। मैंने सुना था कि तुम एक बोट के बारे में बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इस सपने से बाहर निकलना होगा। हालांकि अगर तुम मुझे फॉलो करते हो इन मरे हुए ट्रोल्स की डेड बॉडी पे, तो हम तुम्हें इस शहर में मौजूद अपने सीक्रेट हाइडआउट पे ले जा सकते हैं। आदमी कहता है रुको, ये ट्रोल्स मरे नहीं हैं। डेडपूल कहता है उप्स। कैप्टन आउटबैक कहता है हमें इन इंसानों को ये एडवाइस नहीं देनी चाहिए कि ये ट्रोल्स की बॉडी के ऊपर से चले, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए हो। डेडपूल कहता है तुम तीन हीरोज थे जो मदद की भीख मांग रहे थे, और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। नैन्सी कहती है क्या हम अपनी बकवास को बंद करके इन आखिरी बचे ट्रोल्स को मारकर वापस अपने हेडक्वार्टर जा सकते हैं। जीनी कहता है चलो चलते हैं स्वीटी। नैन्सी कहती है जब हम ड्यूटी पे हैं तो मुझे स्वीटी मत बुलाओ। डेडपूल कहता है ये लो, मैंने आखिरी ट्रोल को मार दिया, तुम सब लोग बच चुके हो। जिस पे वो लोग डेडपूल का थैंक्स बोलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन हिलने लगती है और जमीन के नीचे से कुछ ट्रोल्स निकलकर उन लोगों को पकड़ते हैं और वापस जमीन में ले जाकर खाने लगते हैं। डेडपूल कहता है वेल, ये तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तब वो ट्रोल्स अपने हथियारों के साथ जमीन से बाहर आते हैं। आउटबैक कहता है लगता है कि हमारा काम फिर से शुरू हो चुका है, चलो ट्रोल्स को मारा जाए। लेकिन डेडपूल कहता है नहीं, मैं थक चुका हूँ। आउटबैक कहता है क्या, नो वे, मैं तुम्हारे मुँह से ये बात नहीं सुन सकता। नैन्सी कहती है हाँ, हम ट्रोल बस्टर्स हैं और तुम जानते हो इसका क्या मतलब है, ट्रोल्स को मारना हमें अच्छा लगता है। डेडपूल कहता है अब नहीं, मुझे लग रहा है कि अब मैं एक कंप्लीट फेलियर हूँ। तुम लोग शुरू से सही कह रहे थे, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बाकी हीरोज़ की ज़रूरत थी, जैसे कि ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और डेयर डेविल। तभी ये तीनों हीरोज़ वहाँ पहुँच जाते हैं। जीनी कहता है ओ नो, यहाँ तो दो दो डेविल हो गए। आउटबैक कहता है मुझे कहना पड़ेगा कि एक असली एवेंजर के साथ लड़ते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है। डेडपूल कहता है वेल, टेक्निकली ल्यूक केज इस टाइम एक असली एवेंजर नहीं है। जिसपे ल्यूक केज गुस्से में डेडपूल की तरफ देखने लगता है। डेडपूल कहता है छोड़ो छोड़ो, वो एक असली एवेंजर है। जीनी डेयरडेविल से कहता है तुम्हारी तलवार तो बहुत अच्छी है। डेयरडेविल कहता है अच्छा होगा कि हम चुप रहकर इन ट्रोल्स को मारें और एक वकील के बिना एक दूसरे से बात ना करें। नैन्सी कहती है हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक्स, अच्छा होता कि तुम लोग तब आते जब हमने तुम्हारी मदद मांगी थी। डेडपूल कहता है मैं यहीं पे हूँ नैन्सी, और मेरे भी फीलिंग्स है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। ल्यूक केज कहता है नैन्सी सही कह रही है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे थे। तब ल्यूक केज रिंग ऑफ द लॉर्ड्स की कुछ बात कहता है, जिससे डेडपूल को एक आइडिया आने लगता है और वह तलवार छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में डेडपूल एक बुक लेकर उली के सामने खड़ा होता है। उली कहता है तुम्हें मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेडपूल कहता है बिल्कुल, अच्छा होगा कि तुम हमसे यहाँ लड़ना छोड़कर न्यूजीलैंड चले जाओ और इस लोकेशन पे जाकर रहने लगो जहाँ रिंग ऑफ द लॉर्ड्स मूवी की शूटिंग हुई थी। कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई हत्याएं नहीं, वहाँ तुम लोगों को एक सेंचुरी दी जाएगी, खाना पानी और लैंड दिया जाएगा, तुम्हें वहाँ एक किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगले सीन में ल्यूक केज कह रहा है मानना पड़ेगा डेडपूल को, सोचा नहीं था कि उसके दिमाग में ये आइडिया आएगा।
उन सबको ना मारकर उनके साथ एक बिजनेस डील करना, मुझे ये बात पसंद आई। अगले सीन में रिंग ऑफ द लॉर्ड्स का डायरेक्टर डेडपूल से कह रहा है, पता नहीं मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे बोलूं। जब से हमने असली ट्रोल्स को अपने शो में शामिल करने की बात कही है तब से हमारी कमाई बहुत बढ़ चुकी है। डेडपूल कहता है, माई प्लेजर, बस एक बात याद रखना, तुम इनको आधी रात के बाद खाना खिला सकते हो, और अच्छा होगा कि तुम इनको आधी रात और उसके बाद ही खाना खिलाओ। अगर तुमने इससे पहले उनको खाना खिलाया तो तुम्हारे सामने मुसीबत आ सकती है। और दूसरी बात यह है, मजे करो। अगले सीन में डेडपूल उली के साथ ब्रेक रूम में होता है। डेडपूल कहता है, वेल मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हारा थैंक्स बोलता हूँ कि तुमने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना यह नया लाइफस्टाइल पसंद आने वाला है। उली कहता है, और तुम्हारा भी थैंक्स डेडपूल, हम यहाँ अपना नया घर एंजॉय करेंगे और वॉर से दूर रहेंगे। और जहाँ तक वॉर की बात है, गुड लक विद उलिक, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। डेडपूल कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम उलिक हो। जिस पे उलिक हंसने लगता है और कहता है, मैं उलिक द कंगरेबल हूँ, ये बस हमारे इन्वेजन का पहला पार्ट था और मेरा काम था उलिक द अनकंगरेबल के लिए रास्ता साफ करना। अगले सीन में हीरोज ट्रोल्स की दूसरी आर्मी से लड़ रहे हैं। डेडपूल कहता है, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, ओह मेरा शिप आ चुका है। लुकेज पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डेडपूल कहता है, मैंने नागासोनिक को कहा था कि मुझे आकर ले जाए, मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों, लेकिन मैं इस अवेंजिंग के काम से बोर हो चुका हूँ, ये मेरे टाइप की चीज़ नहीं है। अब डेडपूल वॉर ऑफ रैम्स के राइटर से कहता है, चिंता मत करो जेसन आरन, हम इसकी कहानी मेन इशू में ख़त्म करेंगे, इस टाई इन में मेरा पार्ट ख़त्म होता है, बाद में मिलते हैं गधो। हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इस कहानी में इंक्लूड किया, लेकिन तुम तो मुझे जानते ही हो। अगले सीन में डेडपूल एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो कई टाइप के सिम्बायोट से लड़ रहा होता है। तभी डेडपूल एकदम से जाग जाता है और उसे टीवी में एक न्यूज़ सुनाई देती है जिसमें चार लोगों की एक फैमिली मिसिंग है